Hello, student. I am Kavita, your English teacher, and uh, this is part 4 of your first chapter, the last lesson. So, let's start our part 4. What are friends expected to be prepared with for school that day? Friends was expected to be prepared with participles that day. As Mr. Hamill Mr. had told the class that ही वुड भी टॉकिंग अ टेस्ट ऑन द टॉपिक दैट डे फ्रेंड्स ने यह आशा की थी कि टू बी प्रिपेयर विद पार्टिसिपल्स कि क्या करने थे उसको पार्टिसिपल्स तैयार करने थे जो कि मिस एम हमल ने उसे बताया था पूरी क्लास को दैट ही वुड बी टेकिंग अ टेस्ट कि वो टेस्ट लेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ दैट डे उस टॉपिक पर उस दिन वट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वॉज अ न्यूजवुल अबाउट द स्कूल दैट डे फ्रेंड्स ने क्या नोटिस किया था जो उसको असाधारण लगा था अजीब लगा था स्कूल के बारे में उस दिन यूजली वेन द स्कूल बिगेन देयर वुड बी अ लॉट ऑफ कमोशंस साधारण जब स्कूल जो है स्टार्ट होता है तो वहाँ पे क्या होती है काफ़ी कमोशन लॉट ऑफ कमोशन मतलब कि काफ़ी शोर शराबा होता है बट दैट डे एवरीथिंग वॉज क्वाइट लेकिन उस दिन क्या था सारी चीज़ें बिल्कुल शांत थी एंड इट अ टू बी लाइक अ संडे और ऐसे लग रहा था जैसे संडे का दिन हो बट द स्टूडेंट्स वर एट देयर प्लेसिस एंड मिस्टर हैमल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन बच्चे अपनी जगह पर बैठे थे और मिस्टर हैमल जो थे वो इधर उधर घूम रहे थे विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अपनी उस भयानक आयरन की छड़ी के साथ अंडर हिज आर्म्स अपने बाजूओ में लेकर वट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड क्या लिखा हुआ था उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर द बुलेटिन बोर्ड नोटिफाई द जनरल पब्लिक बुलेटिन बोर्ड पे लोगों के लिए लिखा हुआ था अबाउट एन ऑर्डर एक ऑर्डर के बारे में फ्रॉम बर्लिन जो बर्लिन से आया था इट्स दैट ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉक टू स्टूडेंट इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरन उसके ऊपर लिखा हुआ था कि सिर्फ जर्मन लैंग्वेज को ही पढ़ाया जाएगा बच्चों को जो कि अल्सेस एंड लॉरन के स्कूल के हैं वट इज इज डेट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे किस प्रकार का जो चेंज हुआ था उस ऑर्डर से जो बर्लिन से आया था कोज इन दज इन स्कूल दैट डे ठीक है जिसका प्रभाव पड़ा स्कूल पे उस दिन द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉट ऑल द रूटीन हॉस्टल बस्टल ऑफ द स्कूल लाइफ टू अ स्टैंड स्टिल उस ऑर्डर ने जो कि बर्लिन से आया था उसने पूरे स्कूल का रूटीन जो कि किससे भरा रहता है हॉस्टल बस्टल से चहल पहल से भरा रहता है टू अ स्टैंड स्टिल उसने उसको खड़ा का खड़ा रख दिया शांत कर दिया द टीचर एम हेमल बिकेम मोर सेम्पैथेटिक टू हिस्स स्टूडेंट और एम हेमल जो उनके टीचर थे वो और भी ज़्यादा जो है सहानुभूतिपूर्ण हो गए बच्चों के लिए एंड टोल हिज लेसन विद मोर पेशेंस और उन्होंने अपना लेसन उन्हें बताया बड़े ही पेशेंस के साथ शांति के साथ द स्टूडेंट्स बिकेम मोर अटेंटिव इन देयर क्लासेज और जो बच्चे थे वो और भी ज़्यादा जो है अटेंटिव हो गए उनकी क्लासेज में उस दिन द विज हुटिंग एट द यूजली एम पटी बैक बेंचिज एंड हैड कम टू शो देर रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू एम हेमल और जो विलेजर्स थे वो वहाँ पर बैठे थे जो कि बेंचेज खाली रहते हैं उनकी क्लास के क्या करने के लिए टू शो देर रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड अपने सम्मान को दिखाने के लिए टू एम हेमल एम हेमल को ग्रेट रिगार सॉरी रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल मोर देन दे डेड और इस पछतावे के साथ कि वो क्या है स्कूल नहीं जा पाए थे जितना वो जा सकते थे द ऑर्डर ऑल्सो ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज एन द फीलिंग ऑफ द पीपल और ऑर्डर ने जो क्या था काफ़ी चेंज ला दिया था लोगों की भावनाओं में टुअर्ड देयर कंट्री एंड देयर नेटिव लैंग्वेज अपने देश के लिए और अपनी देश की भाषा के लिए देर वॉज अ जर्नल सैडनेस अबाउट नॉट बींग एबल टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग फ्रेंच और वहाँ पे लोगों सभी लोगों में एक जैसी उदासी छा गई थी कि वो क्या नहीं थे नॉट बींग एबल टू यूटिलाइज वो नहीं सक्षम है अपनी उस चीज़ का उपयोग करने में द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग फ्रेंच कि कौन सी चीज़ का कि उस अवसर का कि जब वो सीख सकते थे अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को वैन इट वॉज ईजिली एक्सीबल जब वो आसानी से उन्हें उपलब्ध थी हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज कैसी जो फीलिंग थी फ्रेंच की अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज किसके बारे में एम हेमल के बारे में और स्कूल के चेंज के बारे में कैसी फीलिंग थी फ्रेंच की फ्रेंच वॉज शॉक वैन ऐम हेमल टोल द स्टूडेंट अबाउट द ऑर्डर फ्रेंच काफ़ी जो है शॉक में हो गया उसको काफ़ी सदमा लगा वैन ऐम हेमल टोल द स्टूडेंट जब एम हेमल ने स्टूडेंट को बताया अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन उस ऑर्डर के बारे में जो बर्लिन से आया था दैट इट वॉज देअर लास्ट फ्रेंच लेसन कि आज ही उसका अंतिम फ्रेंच लेसन है ही फॉर गो टू अबाउट हिज टीचर्स रूलर अब वो अपने टीचर के रूलर के बारे में भी भूल गया एंड क्रैंक की नेस और उनके जो की नेचर था उसके बारे में भी वो भूल जाता है ही फाउंड फोंडनेस फॉर एम हेमल और उसके जो है दिल में क्या हो जाता है लगाव पैदा हो जाता है एम हेमल से एट द ट्रबलिंग आइडिया ऑफ बींग सेपरेटेड फ्रॉम हिम फॉर एवर और इस बात को सोचते हुए कि वो हमेशा जो है उनसे अलग हो जाएंगे ही अंडरस्टूड द पेन एंड एगोनी हिज टीचर वो अब समझ सकते थे अपने टीचर के उस दर्द को और उसके दुख को हेज टीचर व वॉज अंडर गोइंग जो कि उनके दिल में चल रहा था एंड ही बिकेम मोर सम्पैथटिक टू वर्ड हिज टीचर और वो क्या हो गए थे बहुत ज़्यादा जो है सम्पैथटिक हो गए थे अपने टीचर के प्रति हिज स्कूल टू और अपने स्कूल के प्रति भी नाउ कैर अ डिफरेंट मीनिंग और उसके स्कूल के भी जो क्या है अलग क्या है डिफरेंट मीनिंग हो जाएंगे हिज बुक्स एंड लेसन्स इम्स ओल्ड फ्रेंड्स होम ही टूड गिव अप और उसके जो बुक्स थे और लेस थे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसकी वो पुराने मित्र हैं हुम ही टूडेंट गिव अप जिसका वो कभी त्याग नहीं कर सकता था ही रिलाईज विद पेन हाउ मच फ्रेंड्स मीन टू हिम वो महसूस कर सकता था उस पेन को कि हाउ मच फ्रेंच मीन टू हिम कि फ्रेंच लैंग्वेज का उसके लिए क्या मतलब है एंड रिग्रेटेड नॉट बी अटेंड टू इन हिज क्लासेज आरलियर और अपश्चाताप कर रहा था कि उसने अपनी क्लास को अटेंड नहीं किया पहले सडनली ही फेल्ट दैट द डिफिकल्ट हैड नेवर एक्चुअली बिन डिफिकल्ट और अचानक उसे ये महसूस हुआ कि जो डिफिकल्ट कंसेप्ट थे वो वास्तव में इतने डिफिकल्ट नहीं थे नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रिस थिंग लैंग्वेज इज टू दैम इस uh, जो लेस स्टोरी के अंदर लोगों ने अचानक ये महसूस किया कि भाषा जो है उनके लिए कितनी मूल्यवान है वट शोज यू दिस वाई डज दिस हैपन आपको क्या चीज़ ऐसी दिखाती है कि लोगों ने ऐसा महसूस किया वाई डज दिस हैपन और ऐसा क्यों हुआ एम हेमल टोल द स्टूडेंट एंड विलेजर्स दैट हैंस फोर्थ ऑनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ आल्स एंड लॉरेंस एम हेमल ने स्कूल को स्टूडेंट्स को और विलेजर्स को ये बताया कि आगे चल के सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही जो है स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी अल्सस एंड लॉरेंस के दोज देम सेल्फ फ्रेंच मैन वुड नेदर बी एबल टू स्पीक नॉर राइट इट और जो यहाँ पे अपने आप को ऐसा बोलेंगे कि हम फ्रेंच मैन हैं वो ना ही तो एबल हैं लिखने में और ना ही उसको बोलने में ही प्रेजेज फ्रेंच एज मोस्ट ब्यूटिफुल और वो उसकी प्रस, जो है प्रेज करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज की कि ये क्या है काफी सुंदर लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड और सबसे साफ सबसे जो है तर्कपूर्ण जो लैंग्वेज है संसार की ही सेट दैट फॉर द अनस्लिव पीपल देअर लैंग्वेज वॉज द की टू देअर पीजन और वो कहते हैं कि अनस्लेव पीपल के लिए प्राधीन लोगों के लिए उनकी जो लैंग्वेज है वो एक चाबी का काम करती है उस जेल की दैन द पीपल रियलाइज हाउ प्रिस देयर लैंग्वेज वॉज टू दैम तब लोगों ने यह महसूस किया कि कितनी अमूल्य थी उनकी लैंग्वेज उनके लिए दिस शोज पीपल्स लव फॉर देयर ऑन कल्चर और ये दिखाता है लोगों के प्यार को जो उनके उनके खुद के कल्चर के लिए था ट्रेडिशन के लिए था और कंट्री के लिए था प्राइड इन वंस लैंग्वेज रिफ्लेक्ट प्राइड इन मदर लैंड और अपनी लैंग्वेज के लिए गर्व करना वो ये दिखाता है कि उसको अपने मदर लैंड से भी कितना प्यार है कितना गर्व है उसके ऊपर सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंच थिंग्स विल द मेक दम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन वट कु फ्रेंच सोचता है कि क्या वो इनको भी गाना सिखा देंगे जर्मन में ही इवन द पीजन कबूतरों को भी वट कु क्या मतलब है कि वो कबूतरों को भी जर्मन में ही गाना सिखा देंगे अल्फन डेडेट द लास्ट लेसन वेरी प्रोमिनेटली रेजेज द क्वेश्चन ऑफ लिंग्विस्टिक अल्फन डेडेट का जो लास्ट लेसन है वो काफी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन यहाँ उठाता है लैंग्वेज के ऊपर और कल्चर हैगेमोनी के ऊपर ऑफ द कलोनियल एंड एम्पेरियल पावर जो कि किसके अंडर आ जाते हैं औपनिवेशिक और जो है शक्तिशाली पावर के अंदर एंड देयर लस्ट फॉर कंट्रोलिंग द वर्ल्ड एंड इन्फ्लुएंसिंग देअर कल्चर एंड आइडेंटिटीज़ और जो क्या होता है उनका जो लस्ट होता है लस्ट होती है लालसा क्या करने की संसार को कंट्रोल करने की और अपनी पावर को फैलाने की अपने कल्चर को और अपनी आइडेंटिटी को लोगों तक पहुँचाने की परशियंस एक्वायर्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्स एंड लॉरेंट इन फ्रांस को पर्शियन वार पर्शियन ने जो क्या कर लिया था अपने अधीन में ले लिया था दो डिस्ट्रिक्ट अल्सेस एंड लॉरेंट फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट को फ्रांस को एंड पर्शियन वार के दौरान बट दे वर नॉट सेटिस्फाई विद मेयर पोलिटिकल डोमिनेशन लेकिन वो क्या थे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे सिर्फ राजनीतिक अधिकार प्राप्त करके दे डिज़ायर टू एनफोर्स देअर ऑन लैंग्वेज और उनकी इच्छा थी कि वो क्या करेंगे अपनी खुद की लैंग्वेज लोगों के ऊपर क्या करेंगे थोपेंगे ऑफ द डिफिटेड नेशंस उस हारे हुए देश पर दे रिलाइज द ऑर्डर दैट फ्रॉम नाउ जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल्स रैदर दैन फ्रेंच और वो उन्होंने महसूस किया द ऑर्डर दैट इस ऑर्डर को दैट फ्रॉम नाउ जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल्स रैदर दैन फ्रेंच कि अब जो है जर्मन जो है वो पढ़ाई जाएगी किसकी बजाय फ्रेंच की बजाय फ्रेंच वंडर्ड वेदर दे वुड मेक इवन पीजन सिंग इन जर्मन और फ्रेंच अब ये सोच रहा है कि क्या वो कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखा देंगे इट मीन्स दैट दे हैड ग्रोन अप यूजिंग फ्रेंच एज देयर लैंग्वेज इसका मतलब ये है कि वो बड़े हुए हैं अपना यूज करते हुए अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को एंड नाउ स्नैचिंग अवे देअर लैंग्वेज और अब उन्होंने क्या किया है उनसे छीन लगी छीन ली गई है उनकी लैंग्वेज फ्रॉम दैम वुड बी अनफियर जो कि क्या लगे, लग रहा है उनको बुरा लग रहा है इसके लिए एंड अनकाइंड क्या है बहुत जो है क्रूरतापूर्ण जो है काम है द लैंग्वेज वॉज एज नेचुरल टू दैम एज कॉलोनी सॉरी एज कूंग एज टू दीजन लैंग्वेज उनके लिए उतनी ही नेचुरल है जैसे कि पीजेंस के लिए उनकी कूंग है सो कंपल्स टू स्पीक अनदर लैंग्वेज इज लाइक डोमिनेटिंग द फोर्स ऑफ नेचर इसलिए क्या है एक कंपल्सन करना कि क्या बोलना अनदर लैंग्वेज को बोलना टू लाइक डोमिनेटिंग द फोर्स ऑफ नेचर तो इसका मतलब ये है कि प्रकृति को ही चेंज कर देना उसको उसके ऊपर ही जो है उसको अपने अधीन कर लेना एंड अनस्लेविंग इट और उसको अपना गुलाम बना लेना एज इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू अल्टर द वे पीजन सिंह और ऐसे ही जो क्या था इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल उतना ही असंभव है टू अल्टर द वे पीजन सिंह क्या करना मतलब पीजन के गीत को बदलना जितना कि फ्रेंच उनसे छीनना फ्रेंच लैंग्वेज उनसे छीनना इन द सेम वे इट इज डिफिकल्ट फॉर पीपल टू एक्सेप्ट लैंग्वेज और उसी तरीके से यह भी मुश्किल है लोगों से उनकी लैंग्वेज को छीनना विच इज फॉर्सिबल इम्पोज ऑन दैम और दूसरी लैंग्वेज उनके ऊपर क्या करना थोपना एडोप्टिंग अ न्यू लैंग्वेज कॉज इज पेन एंड डिस्कम्फर्ट और एक नई लैंग्वेज को उनके ऊपर थोपना वो क्या है एक पेन और डिस्कम्फर्ट का साइन है सो स्टूडेंट दीज आर योर क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर Thank you for watching this video.